The Helka India News. Please like and share and don't forget to subscribe. विदिशा में कोरोना के कारण शहर में दूसरी व जिले में चौथी मौत हुई है, जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने कर दी है। वहीं जिला प्रशासन ने मृत हुए व्यक्ति के घर के आसपास कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सीमाएं सील कर दी है। स्वास्थ्य विभाग में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय खरे व्यक्ति की मौत कोरोना से होने की पुष्टि करते हुए बताया कि 55 वर्षीय व्यक्ति करीब 15 दिनों से बीमार चल रहे थे। दो दिन पहले ही उन्हें जिला अस्पताल लाया गया था। उन्हें निमोनिया की शिकायत पर हालात बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन बुधवार को अल सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके लक्षण कोरोना जैसे लग रहे थे, जिसके लिए उनके परिजनों को सौंपने की बजाय उनका सैंपल लिया गया व साथ ही साथ रिपोर्ट गुरुवार की सुबह आई, जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाई गई। हालांकि बुधवार को परिजनों के दबाव के बाद नगर पालिका व स्वास्थ्य विभाग की मौजूदगी में सावधानी पूर्वक शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। तहलका इंडिया न्यूज के लिए रवि चौरसिया की रिपोर्ट। मौत हुई है नेमा परिवार से, उसे बताया जा रहा है कोरोना पॉजिटिव है। क्या स्थिति बनी कल? बेसिकली वो मरीज हमारे अस्पताल में लीवर की डिसीज को, जिसको अपन क्रॉनिक लीवर फेलियर डिसीज कहते हैं, वो भर्ती हुआ था। उसके बाद उसको सांस लेने में दिक्कत हुई, तो हमने परीक्षण करके पाया कि उसको निमोनिया है। निमोनिया होने पर हमने ऊपर शिफ्ट किया और सस्पेक्टेड केस की तरह रखा, और लास्ट डे उसको वेंटिलेटर पर भी लगाया गया। अल्टीमेटली हम उनको नहीं बचा पाए और उनको कल सुबह 8 बजे के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। कोरोना टेस्ट किया गया? हाँ। क्या निकला? पॉजिटिव निकला है, अभी रिपोर्ट आया, पॉजिटिव आई है, तो उसको कंटिन्यू किया। क्या स्थिति बन रही? प्रशासन मौजूद है। एक इनके घर के लेमा जी की डेथ हुई थी, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई कल शाम को, इसलिए इस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बनाया। मतलब मौत की पुष्टि होने के बाद, मौत होने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया गया।